हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग किसी के लिए इस तरह की बर्थडे AI इमेजेस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। चाहे वो फीमेल हो या बॉय हो, आप एक ही क्लिक से इस तरह की AI इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, वो भी उसके नेम के साथ। सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों ने इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना है, तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों ने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च कर लेना है बींग इमेज क्रिएटर। नेक्स्ट ऐप में आप लोगों ने फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है। ये प्रॉम्प्ट मैं आपको वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजिली इसको वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट में जहाँ पे उसामा लिखा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने अपने नेम को ऐड कर देना है और प्रॉम्प्ट में पहले से यहाँ पे 21 एज ऐड होगी, यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एज को ऐड कर देना है। इसके बाद आप लोगों ने इसको क्रिएट कर देना है। तो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को इस तरह की काफ़ी सारी AI ट्रेंडिंग्स वीडियो मिल जाएंगी। आप ये वीडियो वॉच करने के बाद उन सब वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रोसेसिंग के बाद हमारी बर्थडे AI इमेजेस रेडी हो चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं बींग इमेज क्रिएटर ने कितनी अच्छी तरह से AI इमेजेस को जनरेट किया है। आप लोग भी इसी तरह किसी के लिए बर्थडे AI इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी फीमेल के लिए बर्थडे AI इमेजेस को जनरेट करना चाहते हैं तो जहाँ पे बॉय लिखा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने गर्ल को ऐड कर देना है और जहाँ पे उसामा लिखा होगा, यहाँ पे आप लोगों ने उस फीमेल का नेम ऐड कर देना है। नेम को ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको क्रिएट कर देना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं प्रोसेसिंग के बाद फीमेल बर्थडे AI इमेजेस जनरेट हो चुकी हैं। आप लोग भी सेम इसी तरीके से किसी के भी लिए बर्थडे AI इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स, आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।